तो आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही चटपटी, खट्टी मीठी, तीखी, बहुत ही चटाकेदार ऐसी भेल, और इसे झाल मुरी, झाला मुरी, चूरी मुरी और अन्य कई नामों से भी जाना जाता है। तो चलिए बना लेते हैं टेस्टी ऐसी चटपटी तीखी भेल। वेलकम टू माय चैनल सुचिताज कुकिंग में आपका स्वागत है। शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ऑल पर रखिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिल सके। तो सबको पसंद आने वाली टेस्टी भेल बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने ये पफ राइस लिए हैं, इसे मुरमुरा भी कहा जाता है। इसे हमें एकदम लो फ्लेम पे थोड़ा सा रोस्ट करना है। पहले ये इस तरीके से होते हैं, ये देखिए, और जब हम इसे रोस्ट करते हैं तो ये बहुत ही क्रिस्पी और एकदम करारे बनते हैं। तो थोड़ा सा मैंने इसे रोस्ट किया है और अब देखिए इसका टेक्सचर है ना, बहुत ही क्रिस्पी। बहुत जल्दी से ये बन जाते हैं। अब हम इसे ये पतीले में निकाल लेते हैं और अब बना लेते हैं फटाफट से भेल। तो अब मैं इसमें प्याज ऐड कर देती हूँ, टमाटर, और यहाँ पे मैंने मूंगफली ली है, रोस्टेड है ये, उसका छिलका हटाया हुआ है। उसी के साथ थोड़े से स्प्रिंग अनियन मेरे पास पड़े थे, ये ऑप्शनल है। और यहाँ पे ये है फरसान, और वो भी होममेड है। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए हो तो कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। बहुत ही टेस्टी फरसान ये घर पे बन जाता है। उसके बाद थोड़ी सी नायलॉन सेव मैंने ऐड की है, और यहाँ पे मैंने ये लाल मिर्च पाउडर, चाट मसाला पाउडर, नमक, टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कीजिए, बहुत सारा हरा धनिया डाल दीजिए, और लास्ट में ये इमली की खट्टी मीठी और तीखी चटनी। इसकी रेसिपी मैंने अपलोड की हुई है, इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। और बस फटाफट से इसे मिक्स कर लीजिए और तुरंत ही इसे सर्व करना है। इसे तुरंत ही सर्व करना है क्योंकि ये सारी चीज़ें जो होती है वो क्रिस्पी होती है, बाद में ये चीवी बनती है। तो फटाफट से इसे सर्व कर लीजिए। तो तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी चटपटी होममेड भेल। बिल्कुल भी नहीं हमें लगेगा कि हमने इसे घर पे बनाया है, बिल्कुल मार्केट स्टाइल ही इसका टेस्ट आएगा, ये मेरी गारंटी है। और ये भेल की रेसिपी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में ज़रूर लिख के भेजिए। और अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं अगले रेसिपी में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ हिट द लाइक बटन।